हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एवो किड जोन और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सारिका। बच्चों, आप तो जानते ही हो होली रंगों का त्यौहार है और इस त्यौहार के आते ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे ही हो जाते हैं। तभी तो कुछ दिनों पहले पिचकारी और रंग की जुगाड़ में लग जाते हैं। ठीक वैसे ही पीयूष भी होली की तैयारी में लग गया है। आइए देखते हैं हम और आप मिलकर इस कहानी को। इस कहानी का नाम है बच्चों, होली है भाई। पीयूष सुबह से मुंह फुलाए बैठा हुआ था। वह बार बार रंग लाने के लिए मम्मी से पैसे मांग रहा था। 3 दिन बाद होली का त्योहार था, परंतु मम्मी ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया था। मम्मी ने उससे कहा था कि गांव से उसके चाचा तेसू के फूल लाएंगे, उसी से वे होली खेलने के लिए रंग बनाएंगी। परंतु पीयूष गुलाल लाने की जिद कर रहा था। मम्मी ने कहा, बेटे समझने की कोशिश करो, पिछली होली पर मुंबई में केमिकल युक्त रंग से होली खेलने पर बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। पीयूष फिर भी यही समझ रहा था कि मम्मी उसे बहका रही हैं। अच्छा, तुम अपनी पसंद की पिचकारी ले आओ, गुलाल तुम्हारे पापा ले आएंगे और पिचकारी में पानी वाला रंग मैं बनाकर दूंगी टेसू के फूलों से। इस पर पीयूष मान गया। मम्मी ने उसे पैसे दे दिए। वह अपनी छोटी बहन रचना को साथ लेकर चल दिया। अभी वे गली में से निकले ही थे कि किसी ने पानी भरा गुब्बारा फेंक कर उसकी पीठ पर मारा। उसने घबरा कर पीछे देखा, 3-4 लड़के पानी भरे गुब्बारे लिए खड़े उन पर हंस रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक गुब्बारा रचना की ओर फेंका। गुब्बारा लगने पर रचना रोने लगी थी। पीयूष को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु क्या कर सकता था। इतने में ऊपर छत से किसी ने उन लड़कों पर गुब्बारा मारा, वे भाग गए। पीयूष रचना का हाथ पकड़े भागता हुआ आगे बढ़ा। जगह जगह यही हाल था। रचना बोली, मम्मी कह रही थी कि होली के दिनों में सोच समझ कर घर से बाहर निकलना चाहिए। अब तक वे बाजार में आ चुके थे। पीयूष ने अपनी पसंद की पिचकारी खरीदी। एक छोटी पिचकारी उसने रचना के लिए भी ली। अब वे घर लौट चले। इस बार वे रास्ता बदल कर गए थे, सो पानी के गुब्बारों से बच गए। मम्मी देखो मेरी पिचकारी, पीयूष हर्ष से चीखता हुआ बोला। मेरी भी, उसी भाव में रचना बोली। मम्मी मुस्कुरा उठी, बोली, लाओ इन्हें रख दूं, कहीं होली से पहले ही टूट फूट ना जाए। दोनों ने अपनी अपनी पिचकारियां दे दी। होली आई। मम्मी ने पीयूष को टेसू का रंग बाल्टी भर कर दिया। उसने छज्जे पर खड़े होकर पिचकारी भर भर कर आते जाते लोगों पर रंग की खूब बौछार की। पीयूष के पड़ोसी मित्र व सहपाठी भी आए, उसने उन पर भी खूब रंग डाला। पीयूष ने उन्हें बताया कि यह टेसू के फूलों से बनाया गया रंग है। यह रंग प्राकृतिक है जो कभी हानि नहीं करता। बाजार के रंग हानिकारक होते हैं, हमें प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बाजार के रंगों से नहीं बल्कि प्राकृतिक रंगों से होली खेलनी चाहिए, क्योंकि बाजार के रंग हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, इस होली आप पानी को बर्बाद बिल्कुल मत करना, सूखी होली खेलना, ठीक है, मेरी बात याद रखना। फिलहाल बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली।